वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली फॉर्च्यूनर का कलर चेंज हो गया है। ओके, तो अभी जो हमने पहले वीडियो देखी थी उसमें थोड़ा सा स्क्रैच करे थे, ये करे थे, उन्होंने बताया भी था कि इसके कुछ फिल्म चढ़ेगी, कुछ होगा। तो पहले था वाइट, उसके बाद हो गई ब्लैक। तो अब देखते हैं कि कौन सा कलर है। फटाफट से व्लॉग देख लेती हूँ। आई नो आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे साथ एक बार देख लो। लेट्स प्ले। भाई साहब प्लाट खोलो और इसकी शक्ल देखो तो क्या गजब गाड़ी लगती है। हाँ, तो मैं एक और बुरसेट है, पैर भी रखी है। पता कहाँ जा रहे हैं हम? मतलब गैस करो, हम कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड यार, मेरा उल्टा हाथ ना कति नहीं चल रहा। यो उस दिन जब पोर्स का पहिया चेंज करा रहा था ना, जैक इसी में रहेगा, हमने चोरी कर लिया जैक। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई अपने कंधे की अपडेट दूँ तुम्हें? आज मेरे को जाना था सुबह फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर के पास, बट मैं थोड़ा लेट हो गया उठने में। बट कोई नहीं, मेरा जो उल्टा हाथ है ना, ये भाई इस साइड तो मैं सो नहीं पा रहा, उल्टे हाथ साइड, पर उल्टे हाथ से स्टीयरिंग बहुत उसमें कर रहा। सेम मेरे पापा को भी हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा मोड़ते हुए भी, ये ऐसे उठता नहीं। बट हो जाएगा ठीक, ये एक बार और भी हुआ था मेरे, मुझे लग रहा है कि लिगामेंट टियर हो गया, इसका चेकअप कराऊंगा। बट कोई नहीं, अभी मनीष भाई का शूट है एक बारी, तो शूट पे अपने सीन है तो वहाँ पे जा रहा हूँ। पिछली बार जो सीन करे थे मैंने, वो कह रहा भाई एक बारी दोबारा करेंगे, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि नींद में मैं कैसा आड़े ले। तो फिर तो अब मैं जाऊँगा, मैंने नींद में कैसे हो सका है, मैंने तो चश्मा लगा रखा था, मेरे तो अभी याद आई। बट चलो कोई नहीं, भाई ने कही है तो एक बार शूट पे भाई का सीन निपटवा के आते हैं। धूप हो रही है बहुत ज्यादा, पता कितनी डिग्री है बार? 41 डिग्रीज। 41 डिग्रीज का मतलब ये है कि तुम ज्यादा देर तक अगर धूप, अरे चल दे मेरे भाई, खड़ा रह गया आगे मेरे, देख रहे हो तुम यार, ये मोटरसाइकिल वाले बंदे जो हमारे दोस्त है ना, ये कई बार चलते नहीं है, रुक जाते हैं। इधर टकरा गई गाड़ी, ओह शिट, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट। इतनी गर्मी है, इसमें थोड़ी देर और बाहर खड़े रह जाओ ना, माँ की कसम गड़ जाओ तुम। और ये धूप का सबसे बड़ा नुकसान ना किसके नहीं आया? हमारे नहीं आया। क्यों है? क्योंकि हम शूट करते हैं आउटडोर्स, जो कि हो नहीं पाएगा इतनी धूप में। भाई इस बार पता नहीं कैसी धूप है, पैन नहीं धूप है, सीधी चुभ है जो, समझ रहे हो? ये देख लो कितने बेचारे काम कर रहे हैं, जो धूप में काम कर रहा है भाई, सैल्यूट है यार इन लोगों को, है ना, मेहनत देखकर। भाई बहुत देर बाद देखी मैंने, हमारी पोर्स ना थोड़ी साफ सुथरी हो रही है। इसे यार ये कपड़ा जो है ना सारा अंदर है क्या, तो बेसमेंट में खड़ी करनी पड़ेगी, ये तो हो जाएगी, कोई दिक्कत ना इसकी। तो इसका ये वाला पहिया अलग लग रहा है यार, इसकी स्टेपनी लगाई है, लाल कलर की स्टेपनी, पीछे वाले तो चलो सारे मस्त है। मैं कह रहा हूँ सुनो, वीडियो में मत लियो भाई, पल्ली साइड से ले लेना, अरे ना अच्छा तो लग रहा है, अरे लाल पहिया, अरे पी स्टिल भाई और उसकी स्टेप नहीं, वैगनार अभी भी है भाई हम पे कह रहे हैं। फिर चलो आओ शुरू करो तो। आ मेरा कंधा, अरे भाई का फाइनली सीन आ गया भाई, मैं क्या कह रहा हूँ छत खोलूं? हाँ यार और क्या, ऑब्वियसली भाई। अच्छा तो लो तो फिर वन, ओए कुछ आया है क्या, कौन आ रहा है हमारे यहाँ पे? कैप में कौन आ रहा है? पैसा क्रेडिट ना ना, कैब की बात, कैब में कौन आ रहा है भाई? लो जी 1 2 3 आइए। खतरनाक सिस्टम इसमें, अब सीन स्टार्ट अपना करे भाई, क्या क्या सीन है? मुझे मेरी गन तो दे दो भाई, गन वन से तो बहुत तो यार दूर रहते हैं हम यार, हम सिर्फ पत्थर कंकर मार सकते हैं, गन गुन से तो भाई साहब हमारा कोई लेना देना है नहीं। अब गाड़ी चला लूँ जरा मैं प्यार से, है ना भाई? अपना यहाँ पे सीन चल रहा मस्त, और अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। मेले वाले ये देख सीन चल रहा है, ऐसा लगेगा, ऐसा लग रहा सीन, ये देख लो, अरे दिख ना रहे। अरे क्या सवा रहा हूँ मैं तो शूट करवा रहा हूँ भाई, पूरा मेरा क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा कैमरा? मुझे लगा भाई गाड़ी आई यहाँ पे अभी वैगनार, मुझे लगा कि उसके बच्चे को ना मेरे साथ फोटो लेनी है, मैंने कहा चलो फोटो तो ले लो, कह रही इसमें राउंड कटवा दो एक, बालक ने जिद करी होगी पीला गाड़ी खड़ा ले, पीला गाड़ी ये देख लो भाई बदमाश बालक, ये जा रहे बस में, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, ये देखो वाओ, हाय गाड़ी देख लो, मुझे भी देख लो यार, हेलो गाड़ी देख रहे सारे, खुश हो गए बालक पटियाला को देख के भाई, वाह पटियाला के ओढ़ ना हो जी। गाइस भाई का शूट खत्म, अब अपनी पर्सनल मरम्मत करके आते हैं, जो कंधा है ना ये नहीं हो पा रहा मूव, बस इस आगे पीछे डॉक्टर भाई साहब को बताएंगे, ये देखो
स्टीयरिंग जो मुड़ रहा हूँ ना, ये समझ लो एक्सरसाइज हो रही है इसकी, घुटना दर्द में घुटने, तुम फील नहीं कर पा रहे। मैं चाहता भी नहीं, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, और दर्द तो रहे भाई, मतलब इसमें पता चलेगा मांस तो ना फटगा, लिगामेंट टियर हुआ, टिश्यू टियर हुआ है, तो चलो वो बताएगा डॉक्टर भाई साहब। हमारे भाई का खुद ही मैसेज आ गया, आए नहीं भाई, आपका शोल्डर में दिक्कत है। मैं भाई साहब आ रहे हैं, हमारे रमेश भाई साहब बड़े प्यारे हैं। तो भाई जिसको नहीं पता, मैं कहा जाता कोई प्रमोशन नहीं अपने भाईचारे में बता रहा हूँ मैं, ग्लोब फिजियोथेरेपी जो अपने यहीं पे वजीराबाद के पास में ही है, और क्या क्या है वहाँ पे, सब चीज़ें हैं अपना ही, मैं वहीं पे जाता हूँ। मतलब अगर कोई दिक्कत परेशानी हो भाई, अपना ही जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात ना, और प्रॉपर ठीक करके दे। तो कोई फिजियोथेरेपी के लिए कुछ जाना हो कहीं आसपास गुड़गांव में, तो ग्लोब फिजियोथेरेपी पे जा सकते हो भाई। कितना प्यार हो रहा है, बादल देखो ये वाला है, मोटा बादल भाई, ऐसे ही रख दो भगवान, सदा ऐसे ही रख दो मौसम, मजा आ जाएगा माँ कसम। मोटा बादल देखना ड्राइव करते हो, शिट इधर तो चलो ये लगा रखे मैंने पर्दे, धूल वूल तो अब बारिश आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में। इसके नीचे वो चल रही है करंट हाथ में, भाई ग्लोब फिजियोथेरेपी ना था, ग्लोबल है, ग्लोबल फिजियोथेरेपी। पहली साइड से दिखा दूंगा, मेरे पता क्या हुआ, देखो ये देखो कपड़े ना उतार रहा, ये टेप लगती है ना, जो टेप लगाई है भाई ने पूरे कंधे पे, और कह रहा है एक दिन का रेस्ट दो, आइसिंग करो योरा, इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, अरे परेशान मत करना भाई। जख्मी शेर वापस निकल लिया अपने पुराने तौर तरीकों पर, यहाँ पे अपने चेप भी लग रही है कंधे पे, उल्टा हाथ अभी पहले से। तो देखो एक दिन में जितना सर आना चाहिए था ना, यू भी ना है कि एक दिन में एकदम पूरा ठीक होकर भेज दिया, ऐसा भी नहीं होता यार, मसाले धीरे धीरे रिपेयर होगी। हाँ, तो एक दिन के हिसाब से तो भाई सही कर दिया भाई ने, मतलब हाथ पहले पूरा पीछे नहीं जा रहा था, अब उठ तो रहा है, दर्द कम है, ऐसे भी नहीं कह रहा मैं एकदम से ठीक करके मुझे, तो भैया वो कर दिया नहीं भाई, धीरे धीरे हुआ। तो अभी पीछे डिग्गी में भाई साहब ये जो पहिया दिख रहा है, ये पोर्श का पहिया है, समझ रहे हो, पोर्श का जो पहिया हमारा फट गया था, नया पहिया आ गया। अब इसमें एलॉय डलवाना है, जो पुराने पहिए का एलॉय है वो चेंज करा के गाड़ी में डाल के, जो लाल पहिया डल रहा है ना स्टेपनी का, उसको चेंज कराना। तो उसके लिए जा रहे हैं पहले हम कस्टम गराज, पीछे पीछे कटारिया भाई साहब की गाड़ी है हमारे की, मजाक उड़ाना आवे साड़, मैंने कहा आ जा भाई यार फिजियोथेरेपी वाले पे हूँ मैं, और आ जा नहीं मैं तो ई सिम चेंज करा रहा हूँ, मैं तो फोन ले रहा हूँ, मैं तो ये ले रहा हूँ, मैं वो ले रहा हूँ, मैं कहा आ जा यार, फिर आ घनी देर में, और आके हंस रहा मेरे पर, कह रहा ये क्या मशीन लगवा रखी तुमने, मैं कहा साड़े मजाक उड़ाना आया तू मेरा, पर चलो कोई ना, तारे दोस्त भी उड़ाते होंगे मजाक, दोस्तों का तो बनता भी है ना। एक चीज़ दिखाऊँ भाई, स्कूटी में लड़का लड़की जा रहे हो, लड़की चला रही है स्कूटी, मेन चीज़ तो ये लड़की चला रही है, और मैं भाई देख रहे हो तुम ट्रस्ट किस लेवल का इस बंदे को, इस बंदी पे भाई साहब, कि बंदी स्कूटी चला रही बंदा पीछे बैठा हुआ, वाह ट्रस्ट किस लेवल का, तो क्या ही वो है, क्या ही कहने हैं, बहुत आगे जाओगे भाई साहब। कस्टम गराज पहुँच लिए थे इसकी गाड़ी की विदाई के लिए, बट मेरे को सब्स्टिट्यूट में गाड़ी चाहिए, तो अपने को पोर्श लानी पड़ेगी। पोर्श का पहिया रेडी भाई, यहाँ लग जाएगा ना पहिया? हाँ यहाँ लग जाएगा। आप पोर्श लेने जा रहे हो? हाँ पोर्श लेकर आऊँ मैं एक बारी, अर्चित की गैल आ जाओ, हाँ ये तो यहीं छुट्टेगी ना। उसमें स्टेप नहीं लग रही है भाई, कितनी बड़ी स्टेप नहीं उसकी, इतनी सी, हाँ थोड़ी पतली है यार, पतली स्टेप, कटारे से पतली है। कितनी देर में आ रहा भाई, देख क्या कह रहा, उल्टा ना सीधा बोला, सीधा मुंह तक थी, मैं कह रहा हूँ मेरी एक बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, अर्चित तेरी वाली बात बताई थी मैंने कि तू अपने कह रहा था कि बहू के पीएसओ रखूंगा भाई, मैंने तो कुछ बताई भाई जिसे ना पता मैं बताता हूँ, अर्चित ने इतना डर लगा है अपने ब्याह होने तक कि नु कह रहा भाई मेरी बहू आओगी ना तो आप तो बचा के रखूंगा, पहली बात तो है मेरे तो क्यों बचा के रखे हो भाई, तो मैं क्यों कहूंगा आपसे बचाने की, अब अपनी मां का सम खा जा, अब जेट से क्यों बचाऊंगा भाई, जेट से जेट में शर्म होती है, अपना भी जेट भी चढ़ जावे, तो बहू में भी तो शर्म होनी चाहिए, बहू में तो भाई, और सोच तेरी बहू बेशरम आ गई, मैं हम लोग घर वाले लाएंगे, अब बूढ़े लाएंगे, जो लाएंगे भाई घर वालों का क्या भरोसा, के बेरा वो तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता ना, के बेरा बहू कैसी आ जा, लाइन मारन वाली आ जावे, और सोच तेरी बहू भाई पड़ोसी पर लाइन मारने लगी तू क्या करेगा, तेरा पड़ोसी है कि अर्चित भाई आपकी बहू ना ऐसे जब छत पे कपड़े सुखाती है ना तो वो ना मेरे को देखती है और आंखों को मारती है, मेरे को लाइन देती है, तो क्या बोलेगा सबूत दे, तो पता क्या हुआ, कह रहा तू भाई मेरी बहू ले जा, आज ये घंटा वो तेरी है, अपने जैसा समझ ले लगा, मैं तो बेटा ऐसा ना हूं, मैं तो
बहुत संत आदमी हूँ, बहू भी शरीफ आएगी और हम भी शरीफ करते हैं, तुम्हारी तरह नाम तेज। कोई नहीं भाई, थोड़ा एम्बैरेस हो गया भाई हमारे, इस पर जवाब नहीं है अभी, हम क्या करेंगे भाई। मैं सोच रहा हूँ बीच में पंप आया, पंप पे एक बारी चेंज करा लें, कस्टम गराज पे चेंज करा, कस्टम गराज पे करा लेते हैं, कस्टम गराज पे चेंज करा लेंगे, कस्टम गराज इधर सेकंड होम ना हो, वहीं बैठे उल्टा हाथ से स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ ना, तो स्टीयरिंग भी ना मोड़ रहा हूँ मैं, टेप टूब लग रही, दर्द हो रहा यार, कल छः छः छक्के मार दे मैं चोट में ही, हमारा तो ऐसा ही है, लीची का मौसम होगा भाई, लीची का, लीची और उसका के है काले काले में भूल का, जामुन है भाई, एक टाइम था एक ताऊ देवीलाल पार्क है हमारे यहाँ पे वजीराबाद का, तो इसमें जामुन का पेड़ लगा रहा करता, स्टेडियम है वो पार्क, अरे स्टेडियम तो तुम्हारे इधर है, अच्छा पार्क है हमारे वहाँ पे स्टेडियम साला गवार, तो एक सेकंड तू मोड़ देकर लेफ्ट साइड स्टीयरिंग साढ़े, तो भाई उस पे था पेड़ लगे, पेड़ लगा रहा करता वहाँ जामुन का, मैं हमारे मेरे का स्कूल के दोस्त सचिन गौरव हम सारे उस पर चढ़ चढ़ के जामुन खाए करते, आज देखो साला पेड़ ही गायब होगा जामुन का, वो अपना भी लगेगा कहीं पेड़ पे जामुन आस पास, सामने तो फॉर्चून जा रही, न्यूली मैरिड अरुण और रितु भाई, बहुत बहुत मुबारक अरुण भाई और रितु जी को, औरों की जिंदगी मजाक करने का, ऐसा ही है अपना इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है, भाई वाह बहुत बहुत मुबारक भाई साहब, थैंक यू बोल देना अगर देखते हो तो, सोचे देखते हो हमारे व्लॉग्स, बढ़िया है ना, चलो कांग्रेचुलेशन फॉर्च्यूनर जा रही है, ये यो ही है गोपाल और निशा, पीछे है वो फॉर्च्यूनर जो मैंने पढ़ लिया, अरुण वरुण गोपाल और निशा भाई, वाला फॉर्च्यूनर उसका नंबर भी अलग है 99.5 में दो फॉर्च्यूनर जा रही है, दो टाइम दो चल रही है हमारी और इनकी, नहीं पीछे भी, अगर पीछे दिखा दी तो यो मान लो आप आपकी आंखें कमजोर होगी, अगर अगर मैंने दिखा दी तो दिखाता होगा, हम भी चलते हैं ले तो फिर एक बार भाई, लो अर्चित का बहम मिटाता हूं, लो अभी एक फॉर्च्यूनर आई, अरुण लिखा होना चाहिए, हाँ अरुण भी लिखा होगा, रितु भी लिखा होगा, एक मिनट रुको अभी आने दो फॉर्च्यूनर को, गाइस वेट कर रहे हैं हम, कभी तुम सोचो हम यहाँ पे अब कैमरा चला के भूल गए, ऑडी गई अभी आएगी, देखिए जो सफेद रंग की लाइट है ना जिसकी, यही गाड़ी है, और सौड़े झापड़ लगेगा तेरे, झापड़ है अरुण और रितु, सॉरी दो ही जा रही है, तो अपनी तो लेजेंडर है, लो जी बेचारे क्या होगा, अरे सब ठीक हो जाओ जब रैप रूप हो पाएगी ना, यो रही भाई अपना लाल पहिया भी काड़ा वापस इसके जैसे लग जाएगा, तो चलो सर आओ, दूसरी ग्रिप का है, इसकी कोई दूसरी ग्रिप है ना, बटर उबड़ का था कोई ना, चल तुम मैं आ रहा हूँ इसमें, कस्टम गराज पहुँच, हाँ मेरा उल्टा हाथ है ना कती ना मुड़ रहा यार, मम्मी ना सोच रहे अलीस भाई क्या ही जिंदगी जी रहे हो तुम, सही जी रहा हूँ यार मैं, ये देखो आइए इस वाले भैया की तो राइट साइड का दिखाता ही नहीं है, दिखाऊँ ये देखो इधर ना, राइट साइड का ये ऊपर वाला भैया ना इसकी नहीं दिखाया, स्टेपनी का शायद नहीं दिखाता, पता नहीं क्या है, कोई नहीं हम चलते, लो जी भगवान का नाम लेके जय श्री राम, वाह वाह कटारिया चुप चुप के उक्का पी लेते हो, ओके मैंने मुंह पर लगाया उक्का, मुंह पे कहां है, कब लगेगा मुंह पे, देखो एक अभी लगा दिया मुंह पे, देख ऐ ये लगा दिया, फोन कैमरा बोलो ना, अरे मैं बता रहा हूं सीधे सीधे आते ही हमारे क्रिकेट भाई लोग देखते हैं इसका, बोल रहा कुछ कैमरा पीछे इतना आप देख रहे हो गए, शुभमन गिल इसलिए खेल रहा ताकि वो सचिन की चोरी से ब्याह कर रहा है भाई, अनफॉलो कर दिया उसने, हां ले रहा हूं सब बैठी बाकी हमारी बाकी भी तो बैठे हमारे, लड़ाई ना होगा भाई, बोल यार आज तो पिज्जा, आज तो गैल गया था पिज्जा ले आया, सिस्टम है ले पिज्जा ले आए, गोल गप्पे खाया है, जितनी भी पीपीएफ को रिप्लेस करेंगे और पीपीएफ ऊपर रैप लगा देंगे इसको, मैं कह रहा हूँ जो पीपीएफ आप करोगे सपोज जैसे ये है इधर आओ, जैसे ये हट रखी है तो इधर पीपीएफ कौन सी वाली होगी, नॉर्मल या फिर जो ये है सेम ग्लोस ब्लैक ही रखेंगे, कल को दोबारा हमें ग्लोस ब्लैक करनी पड़े तो अपने रैप रैप हटा देंगे और पील ऑफ करके और ग्लोस ब्लैक पीपीएफ, तो एक तो अपनी खिड़की चेंज होगी, ये तुम सुनो ये वाली और ये वाला और बम्पर और ये वाला,
इस पे दोबारा ब्लैक करोगे? हाँ, इस पे ब्लैक कर देंगे। ये डायरेक्ट वो कर देंगे। बोनेट में भी तो रखा है, बोनेट में वो जेट वाले इंजन नहीं लगा रहे इसमें, इसका इंजन इसमें रिप्लेस कर। ये तो मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ। चलो इसकी भी बढ़िया चीज़ है। और इस साइड तक कहाँ था फट रखा हमारा, इस साइड तक भी है थोड़ा सिस्टम। मैं कह रहा हूँ भाई सुनो, जैसे इसके बंपर के नक्के वक्के थोड़े से निकल रहे हैं वो वहाँ पे करेंगे पूरा अनअसेंबल करके फिर से करेंगे। तो अपनी अभी नाडोगरे हो जाएगी ना? हाँ नाडोगरे है। इंडिया की पहली, इंडिया की पहली नाडोगरे हो रही है भाई कस्टम गैराज पे अपनी फॉर्च्यूनर। ले भाई से पहली ऐसी गाड़ी है जो नाडोगरे में और टीआरडी के स्पोर्ट्स अलॉय के साथ आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। ले भाई, और इसमें पोर्स का इंजन होएगा। और क्या क्या कर रहे हैं सर इसमें? ये नॉज वगैरह, नोज वगैरह में भी नहीं कर रहा अभी, अंदर थोड़ा बहुत कुछ और ऐड ऑन कर दो। बढ़ा सको तो इसकी एवरेज बढ़वा लो, इसकी एवरेज बढ़ जाएगी। ग्रैंड विटारा पे ध्यान दो, अब ग्रैंड विटारा पे ध्यान दो। सीएनजी भी इंजन लगा दो भाई, सीएनजी लगा दो। और क्या क्या सौदा करेंगे इसमें? रूफ करेंगे इसकी, अभी थोड़ा बहुत इंटीरियर अपनी लिखवा लेना सिस्टम। मैं तो पूरी गाड़ी वो करा रहा हूँ, गाड़ी भगवा तो ठीक है मैं कह रहा हूँ। और इसकी छत में क्या होगा? वेलवेट होगी छत, ये यार ऐसे भी ठीक है यार। ओ भाई कितनी गर्म हो रही है। वेलवेट दूसरे कलर में भी आता है? हाँ बेज में भी आता है। बेज में ना लगेगी सही, देख लेंगे दोनों में कर देंगे। मैच नहीं खाएगी ना, मैच दे रहा काला है यार। इसका इंटीरियर भी बदल दो ना। ना ना पहले तुम यही करो, मेरा दूसरा फोन का स्विच ऑफ हो गया चलते चलते। तो इसका क्या क्या करेंगे हम? कंटेंट निकालेंगे बाद में जब इसका अंदर का चेंज कराएंगे। अभी तो इसमें सब चीज़ सही है ना, और सारी चीज कार्बन फाइबर वगैरह तो रखा है ना, हो रखा है इंटीरियर। भाई की गर्म कितनी हो जाएगी गर्मी में? अरे एसी है तो उसके लिए काली एसी कूलर लगा देते हैं इसमें एक। इसमें ना जब ग्रैंड विटारा को करेंगे तब पता चलेगा गर्म ज्यादा कौन सी हो रही है। ओके इसमें तो आप सामान सौदा निकाल के अलविदा कह देगा। क्या सामान सौदा है? कुरकुरे के पैकेट, केबल, रुमाल, लव लेटर्स, क्रोसिन की गोली, और क्या क्या और क्या निकाल लें? एसी वैसी पार्ट लेंगे इसका। भाई भाई इसका कवर भी मंगा देना यार, फ्लैग रोड का। फ्लैग रोड मंगा देगा, रखा मेरा कोई चुरा के ले गया, लगा देगा। हाँ ये झंडा ढक देना मेरा बेचारा खुला रह गया। और तो कुछ नहीं है गाइस, जाना बस। भाई पोर्श में हो रही है अपनी वापसी, आज बहुत दिन बाद निकाली। इसका पहिया बेचारी का पंचा था ठीक करवा लिया। तो फॉर्चुनर जा चुकी है अपनी रैप के लिए, और अपनी इस वाली गाड़ी ने गाँव में लेके जा रहा हूँ। बहुत दिन बाद बंदे चढ़ जाते हैं। अभी जैसे ये गाड़ी कौन सी टिप्पर मार रही है? अभी टिप्पर मार रहे हैं, सभी टिप्पर मार रहे हैं भाई। अगर एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, अगर पोर्श कहीं दिखे ना, इसको पता है मैं कम क्यों निकालता हूँ? क्योंकि बंदे चलान नहीं देते यार, समझ रहे हो? ये देखो ये टिप्पर लेके बेवकूफ लग रहा कोई पीछे। भाई चलान दो यार, तुम्हारी तरह मैं भी इंसान हूँ भाई, इसको इसलिए नहीं निकालता। ये ज़्यादा नज़रों में आती है फिर पब्लिक। भाई ये गाड़ी रात को तुम अगर टिप्पर दे रहे हो गाड़ी को, तुम ये चाह रहे हो कि गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी यार, सेफ्टी पर्पस। तुम रात को किसी के लिए गाड़ी रोकोगे नहीं, क्या पता कौन आदमी कैसा हो। तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस भाई मैं गाड़ी नहीं रोक सकता, तो इस चीज़ को मेरी समझा करो भाई। इसमें भी एक अलग ही फील है मां कसम, इसका हैंडल जब पकड़ो ना एक कैडी फील निकल का आवे। आइए आइए ऐसा रास्ता हो प्यारा, प्यारी गाड़ी हो। ओपन करके चलाऊंगा इसे ना, ओपन करके तो अभी तो क्या ही फायदा, धूल मिट्टी उठ रही। आज तो आंधी आ रही थी तो अपने गाँव में अभी घुसेड़ लेते मजेदार। और भाई अपनी पोर्श के अलॉयस पहिए सारी चीज वेलोसिटी टायर से ही होगा, और वो बहुत जल्दी होगा। अभी विक्रम भाई का फोन आया था, कह रहे हैं पोर्श के पहिए मंगा दिए हैं उन्होंने, रमन भाई ने। तो बहुत जल्दी एक दिन जाना है लुधियाना, पोर्श लेके अपनी टायर टूर चेंज कराएंगे, इसका अलॉय देखें, कोई बढ़िया सा डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। तो ओके जी है, चलो पहुँचने दो पहले मेरे को, फिर घर वालों से मिलवाते हैं। भाई कितनी सुंदर लग रही है यार, यहाँ पे खड़ी हुई है ना। चलो जी गुड नाइट कहने का टाइम है, इसको तो गुड नाइट बोलने में भी मजा आ रहा है, ऐसी लग रही है अपनी गर्लफ्रेंड को गुड नाइट कर रहा हूँ। गुड नाइट डार्लिंग। जिसे ना पता भाई पट्टी क्या रहे हैं, ये देखो ये रह है कुछ है मोटे, देखियो क्या हालत होगी मेरे हाथ की, कंधे की सॉरी, ये पीछे तक है देखो। अरे जैसे तूने वो करा है ना वो खिंच गई है ना, वो कह रहे मसल के अंदर फाइबर होते हैं ना, वो टियर हो गया। कह रहा जुड़ जाएगा आंटी की तो प्यारी लग रही है। अच्छा ना हमारा डॉक्टर इज नाइस, आ हमारा तो चलो भाई है वैसे भी सबके लिए अच्छा। आपके क्या हो रहा? गोडे तो कमर हाँ चलो भाई चेंज वेंज करें अपना फिर। अरे मत करो वैसे कुछ ना आके फिर इससे मेरा क्या हो जाएगा पट्टी जैसे बांध दी वो चीज नो। हाँ मतलब कि कुछ तो होता ही होगा, इतना ज्ञान होता तो मैं ना होता फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर। चलो कोई नहीं भाई
फॉर्चुनर दिया है, मैं पोस्ट डाला है अभी तो देखिए था ना, ताड़ा चाबी दीजिए और अभी रहेगी मेरे पे कुछ दिन तक जब तक रैप नहीं होगा, या फिर मैं ज़्यादा रोज़ तो रोज़मर्रे में तो यूज़ नहीं हो सकती अपनी ये वाली गाड़ी, रात को निकल सकते हैं इसमें चोरों की तरह। तो कोई नहीं भाई, आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं फॉर्चुनर की विदाई के साथ, अब नई हो के आएगी वो अच्छी बात है। ठीक है जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बोल जब करेंगे बोल ये तूने कह दी ना वही थी बोलो ना एक बार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अच्छा चार बोल लेंगे, मैं तीन में याद करने चल रही बोलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ला भाई, अब तो मम्मी ने कह दिया अब तो करना पड़ेगा भाई, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वेलकम बैक टू द व्लॉग चैनल, है व्लॉग चैनल। आंटी बहुत प्यारी है, मस्त मज़ा आ जाता आंटी के साथ तो एंड में आती है, लेकिन ना पूरा व्लॉग जो होता है ना आंटी वालों का उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे को पता है कि यार ये तो शुरू से लेकर एंड तक ना खतरनाक होने वाला है, मतलब फ्रेंड्स के साथ वाला भी अच्छा होता है लेकिन जिसमें आंटी होती है वो बहुत एंटरटेनिंग होता है, और मेरे को बहुत मज़ा आता है वो देखने में ऑनेस्टली। मतलब आप लोगों ने देखा भी होगा अभी तक, मतलब जो भी मैंने व्लॉग्स देखे जिसमें आंटी होती है वो मैं उसमें एक्स्ट्रा ही खुश होती हूँ, क्योंकि पता नहीं उनका ऑरा ही ऐसा है, इतनी एक तो इतनी स्वीट है, इतनी क्यूट लगती है मेरे को, कुछ भी बोलती हैं तो। हाँ मेरे को लगा था इसमें शायद फॉर्चुनर का कलर चेंज हुआ दिखेगा, बट अभी उन्होंने दी हुई है इसमें ओके। और आई थिंक इंटीरियर का वो बोल रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे इंटीरियर कुछ छत वेलवेट का करवाने के लिए रूफ़ को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करवाना है। और ग्रैंड विटारा की तो बहुत बेइज्जती होगी, बहुत ज़्यादा दो बार बेइज्जती होगी, फिर कोई नहीं। हाँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोला था कि जो लोग डिप्पर दे रहे हैं सोच के कि गाड़ी रुक जाए, ऑब्वियसली कोई भी नहीं रोकेगा यार, क्यों रोकेगा कोई इतनी रात को, कोई कैसा इंसान है कैसा नहीं है, तो वो चीज़ समझनी चाहिए लोगों को। पता नहीं लोग क्यों इतने पागल हो जाते कि अपना कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस वाली चीज़ होती है वो भी भूल जाते कि भैया क्यों दूसरे को, वो भी तो इंसान है, कोई स्टार भी है कोई भी है, लेकिन उनका भी तो एक पर्सनल लाइफ होता है, उनका भी तो मन करता है कि हम भी घूमें, गाड़ी ले रखी इतनी सेक्सी गाड़ी ली है, कभी तो जाएगा बंदा घूमने के लिए, उसमें भी आप लोग उसके पीछे पड़ जाओगे तो फिर वो सही नहीं होता ना। वो चीज़ लोगों को खुद ही होनी चाहिए अपने अंदर, आई डोंट नो कि बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मेरे को नहीं पता ये सब, बट आई रियली एंजॉयड द वीडियो, मज़ा आया मुझे देख के, एंड आई रियली होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ कीर्ति चंद, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।